नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरे बताए उस तरीके से आप मेथी के दानों का इस्तेमाल शुरू कर दें, आप देखते ही देखते अपनी बहुत सारी बीमारियों का घर बैठे बैठे इलाज कर लेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, समय से पहले सफेद हो रहे हैं, या आपकी त्वचा पे समय से पहले बुढ़ापा, एक्ने, पिंपल, ये सारी समस्याएं अगर आप फेस कर रहे हैं, आपका पाचन तंत्र बिगड़ चुका है, आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आपकी हड्डियों में दर्द होने लगा है, मांसपेशियां फूलने लगी हैं, या आपको बवासीर है, या फिर आपको डायबिटीज है, इन सबको दूर करने के लिए अकेली चीज है मेथी का दाना और उसका सही इस्तेमाल। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि हर बीमारी में आपको मेथी के दानों का कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों का जो एक लाइक होता है वो दिल से हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट टाइम कुछ और नया और बेहतरीन लाने के लिए। तो हमेशा मेरे और मेरे चैनल का पर्पस यही रहा है कि आप लोगों की हर चीज की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लाती हूँ और आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाती रहूं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप लोग भी अपना वजन घटाना चाहते हैं तो इसके लिए मेथी दाना आपके लिए रामबाण औषधि का काम करेगा। इसके लिए आपने क्या करना है, बस एक चम्मच मेथी दाने को रात को पानी में भिगोना है और दो ग्लास पानी में उसको सुबह उठ के अच्छे से बॉइल करिए। जैसे ही कड़ कड़ के पानी आधा रह जाए तो उसके बाद मेथी के दानों को चबा लीजिए और वो पानी पी लीजिए। अगर आप हफ्ते में 3 दिन इस मेथी दाने के पानी को पीते हैं रोजाना सुबह खाली पेट, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके शरीर में जहां भी एक्स्ट्रा चर्बी थी वो पिघलने लगी है, आपके शरीर में जितना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। बेसिकली मेथी दाना क्या करती है, आपके शरीर की सारी गंदगी को निकालती है, आपके शरीर को अंदर से डिटॉक्स करती है, क्योंकि मेथी के दानों में होता है कैरोटीन, कॉपर, जिंक, सोडियम, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम और ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और ये आपका पाचन तंत्र बहुत बेहतर बनाती है, जिससे कि आप जो भी खाना खाएंगे जो आपके फैट में कन्वर्ट हो रहा था वो आपके एनर्जी में कन्वर्ट होगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपके मांसपेशियों में दर्द रहता है, सूजन रहती है, या आपकी हड्डियां पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं, तो आप मेथी के दानों का इस्तेमाल करें। कैसे करेंगे, आपको सेम तरीका आजमाना है, रात को पानी में भिगोकर 2 ग्लास पानी में बॉइल करके जब वो कड़कर 1 ग्लास रह जाए तो मेथी के दानों को भी चबाइए और उस पानी को भी चाय की तरह सिप सिप करके पी लीजिए। ऐसा आप गर्मी में कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 3 दिन खाली पेट। उसके बाद आधे घंटे बाद आपकी जो भी बीमारी की कोई दवाई चल रही है उसको आप लें और 1 घंटे बाद आप खाना खाएं। इससे आप खुद नोटिस करेंगे कि जो आपके घुटनों का दर्द था, आपकी मांसपेशियों का दर्द था, जोड़ों का दर्द था, उसमें बहुत ज्यादा आराम आ चुका है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ट्रस्ट मी, आपकी हड्डियों के लिए और आपके वजन घटाने के लिए भी बहुत बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको बवासीर है कितनी भी पुरानी, सारे इलाज करके थक चुके हैं, तो मेरा ये नुस्खा आज से आजमाएं और 1 महीने बाद खुद बताएंगे कि आपकी बवासीर क्या थी, आपको यही नहीं पता होगा। मेथी और सोया को रात को पानी में भिगोकर सुबह उसका पानी बॉईल कर आप मेथी के दाने और सोया को भी चबाएं, साथ में आपने वो पानी भी पीना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए तो मेथी के दानों में जो मौजूद होता है सोल्युबल फाइबर्स, वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहती है और फ्यूचर में आपको डायबिटीज जैसी भयानक बीमारी नहीं हो पाती है। बहुत ज्यादा आपकी त्वचा पे बहुत ज्यादा बुढ़ापा आता जा रहा है, डल पड़ गई है, तो आपने क्या करना है, मेथी के दानों को पीसना है। पीसने के बाद उसमें आपने आलू को घिस कर उसका जूस ऐड करना है और थोड़ा सा 1 चम्मच नींबू का जूस ऐड करना है। तीनों को अच्छे से मिक्स करना है और अपने फेस पे लगाना है। इससे आपकी जितनी भी झाइयां हैं, कील मुहासे हैं, या आपकी गहरी पिगमेंटेशन क्यों नहीं है, वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। आपका चेहरा एकदम खिलकर उठेगा, जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आपने मेथी के दानों को पीसना है, उनका पेस्ट बनाना है और उसमें 2 चम्मच या अपने बालों के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग हेयर ऑयल ऐड करना है और वो अपनी बालों की जड़ों में और लेंथ में लगाकर 1 घंटे के लिए कोई पॉलिथिन से कवर कर लीजिए। उसके बाद अपने बालों को धो लीजिए, तो फिर देखिएगा, अगर आप हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी को लगाते हैं तो आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा, आपके बाल जो समय से पहले पक रहे हैं ना, सफेद हो रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे, आपके बालों में नई जान आ जाएगी, नया शाइन आ जाएगा। तो जरूर ट्राई करके कमेंट जरूर करना जो भी, अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम है, डेफिनेटली श्योरिटी देती हूँ आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। मार्केट में भी जाते हो आप, दुनिया जान की मेडिसिन डॉक्टर्स के पास लेते हो, कोई ना कोई पेट की प्रॉब्लम है, किसी चीज की प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई चीजें अपने फेस पे या बालों में अप्लाई करते हो, तो क्यों ना घर का नुस्खा आजमाया जाए, जो सस्ता भी है और उसका रिजल्ट आपकी हाथों हाथ आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही कुछ बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए मुझे बहुत सारा प्यार देते रहें। प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और हम मिलते हैं कुछ नई और बेहतरीन वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।